नमस्कार साथियों, महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से सत्र 2022-23 में शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन और चिन्हांकन शारदा ऐप के माध्यम से करना है। इसलिए आज की वीडियो में हम शारदा ऐप पर नए बच्चों का नामांकन और अगर कोई नया नामांकन नहीं है तो पुराने बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं उन्हें शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत कैसे ऐप पर चिन्हित करना है पूरी प्रोसेस स्टेप बाय समझेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। अब सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से शारदा ऐप डाउनलोड कर लेंगे और जो भी विद्यालय के नोडल टीचर हैं उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर करके OTP की सहायता से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद डेटा डाउनलोड होने देंगे और जब डेटा डाउनलोड हो जाए उसके बाद अगले पेज पर सबसे ऊपर नोडल टीचर और स्कूल से संबंधित जानकारी लिखी मिल जाएगी और नीचे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको सबसे पहले आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन ऑप्शन और सत्र 2022-23 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने हेतु ऑप्शन पर कार्य करना है। अब सबसे पहले ऑप्शन में अगर आपके विद्यालय में कोई नया नामांकन शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल श्रेणी में आ रहा हो तो आप इस ऑप्शन से इस बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको प्रेरणा DBT ऐप में रीडायरेक्ट कर देगा और आप आसानी से स्टूडेंट को रजिस्टर कर पाएंगे। इस ऑप्शन की पूरी डिटेल वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें अगर आपके विद्यालय में कोई नया नामांकन आउट ऑफ स्कूल के अंतर्गत नहीं आ रहा है तो आप इस ऑप्शन से सत्र 2022-23 में पहले से आपके स्कूल में नामांकित बच्चों को शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत रजिस्टर कर सकते हैं। बस इसमें एक शर्त है, इस ऑप्शन से आप उन्हीं बच्चों को चिन्हित कर पाएंगे जो आपके विद्यालय में लगातार 45 दिन तक अनुपस्थित रहा हो। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो आप जब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब आपको कक्षा 2 से 8 तक बच्चों की संख्या लिखी मिल जाएगी। आप जिस भी कक्षा से बच्चे को चिन्हित करना चाहते हैं तो उस कक्षा पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट लिस्ट में छात्र छात्रा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही अगले पेज पर प्रेरणा एनरोलमेंट सर्वे में सबसे पहले आपको छात्र छात्रा ड्रॉप आउट है या कभी नामांकन नहीं हुआ है सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट कितने महीने से ड्रॉप आउट है वह एंटर करेंगे। अब अगले कॉलम स्टूडेंट किस कक्षा से ड्रॉप आउट है वह इस ड्रॉपडाउन मेन्यू से सेलेक्ट करेंगे। अब अगले कॉलम में विद्यालय ना जाने का कारण इन दिए गए कारणों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे के ये कॉलम अपने आप पहले से ही भरे हुए आएंगे, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब अगले कॉलम में आउट ऑफ स्कूल बच्चे की सर्वेक्षण करने की तिथि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद अगले कॉलम में जिस टीचर ने बच्चे का सर्वेक्षण किया है उनका नाम, मोबाइल नंबर और विभाग या संस्था का नाम इस ड्रॉपडाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर लेंगे। सारी डिटेल्स भरने के बाद सुरक्षित करें बटन को प्रेस करके डाटा सेव कर देंगे। अब डाटा को सिंक करने के लिए आपको इस होम पेज पर यहाँ पर नीचे सेटिंग्स ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन मास्टर डाटा सिंक है। इस पर क्लिक करते ही जो आपने डाटा अभी भरा है वह डाटा सर्वर पर सिंक हो जाएगा। ऐसे ही आप जो भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल में चिन्हित करने हों आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आउट ऑफ स्कूल बच्चों का बेसलाइन मूल्यांकन और उपस्थिति भी आपको हर महीने दर्ज करनी होगी। वह सब डिटेल वीडियो आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।